जिला कांगड़ा में जिला प्रशासन स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर सरगर्मी के साथ जुट चुका है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस आजादी के बाद से लेकर अब तक मनाए गए स्वतंत्रता दिवस से बहुत हटकर होगा, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर भी कोरोना का पूरी तरह से साया है। ऐसे में सरकार से लेकर प्रशासन तक हर प्रकार के कार्यक्रमों में एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बाकायदा जिला प्रशासन लगातार बैठकें भी कर रहा है कि कैसे इस बार आजादी के दिवस को कोरोना के साए से भी बचाया जाए और लोगों का भी मनोरंजन किया जा सके। हालांकि इस बार के स्वतंत्रता दिवस में बीते सालों की अपेक्षा कल्चर एक्टिविटी स्कूली छात्रों की ओर से निकाली जाने वाली झांकियां मैदान में एनसीसी कैंडिडेट की ओर से की जाने वाली परेड नहीं हो पाएगी। बावजूद इसके फिर भी आजादी के इस दिवस को ठीक उसी तर्ज पर मनाने की कोशिश की जाएगी जैसे इन दिनों हर सरकारी दिवस मनाए जा रहे हैं। जिलाधीश राकेश प्रजापति की माने तो उनकी ओर से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बकायदा स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन इस समारोह के लिए देखी जा रही है। एहतियातन कई तरह के फेरबदल किए जा रहे हैं, लेकिन इस समारोह में कितने लोग आ पाएंगे, कितनों को शरीक किया जाना है, ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, क्योंकि सरकार की ओर से ऐसी कोई भी गाइडलाइन अभी प्रशासन के पास नहीं पहुँची है। वहीं उन्होंने बताया कि अगर इस समारोह में जनता शरीक भी होना चाहे तो वो कोरोना को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य मानकों पर पहले पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करे, तभी समारोह स्थल पर पहुंचे। हालांकि इसके लिए उन्होंने साफ किया है कि प्रशासन इस बात को पूर्णतः सुनिश्चित करवाएगा कि समारोह स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है या नहीं, साथ ही यहां आने वाला हर शख्स पूरी तरह से मास्क पहनकर आ रहा है या नहीं। इस मौके पर औपचारिकता बिल्कुल नहीं निभाई जाएगी, क्योंकि जान है तो जहान है। प्रदेश की जयराम सरकार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने नए चुने गए मंत्रियों को बधाई दी और उन्हें जनता की कसौटी पर खरा उतरने की नसीहत भी दी। सुधीर शर्मा ने कहा कि किसी भी राज्य में चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को ये विशेष अधिकार है कि वो कभी भी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकते हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर सकते हैं। इन दिनों क्योंकि विशेष काल है तो ऐसे में चुने हुए तमाम मंत्रियों को बहुत ही सोच समझकर कार्य करना होगा। वहीं उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि प्रदेश में हर बार ये सवाल उठता रहा है कि प्रदेश सरकार अधिकारी वर्ग बेहद हावी है, तो ये सरासर गलत है। अगर प्रशासनिक अधिकारी चुने हुए नुमाइंदों को तरजीह नहीं देंगे तो वो अपने हिसाब से कार्य करेंगे, तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। फिर तो सरकार को चुनने का कोई लाभ ही नहीं है, फिर अधिकारी ही अपने हिसाब से राज्यों और देश को चलाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में उठ रहे इन सवालों में अगर कोई सच्चाई है तो सरकार को इस और गौर करना चाहिए और अधिकारियों की इस तरह की मदमस्तता पर अंकुश लगाकर सरकार को खुद चलाना चाहिए। सरकार के चुने हुए नुमाइंदे अगर प्रशासनिक अधिकारियों के कहने पर चलेंगे तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। जिला सोलन में कोरोना संक्रमण के चलते एचआरटीसी द्वारा बसों की सेवा नहीं दी जा रही है, जिसके चलते जिलावासियों को काफी असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। ये बात कांग्रेस नेता विनोद सुल्तानपुरी ने मीडिया के समक्ष कही। उन्होंने कहा कि जिला में कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके पास आने जाने का माध्यम केवल सरकारी बसें हैं, लेकिन ये बसें आजकल नहीं चल रही हैं। ज्यादातर रूट एचआरटीसी द्वारा बंद कर दिए गए हैं। लोगों को आना जाना मुश्किल हो चला है, जिसके बारे में कई बार एचआरटीसी अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अधिक जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश महामंत्री विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि जिला के विभिन्न गांवों में सरकारी बसें इसलिए नहीं भेजी जा रही हैं क्योंकि उनको चलाने से एचआरटीसी को घाटा हो रहा है। उन्होंने
उन्होंने कहा कि अगर विभाग द्वारा ये बसें नियमित रूप से चलाई जाएंगी तो क्षेत्रवासियों को जहां एक और बस की सुविधा मिलेगी, वहीं धीरे धीरे सरकारी घाटा भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कई रूटों में बसें बंद होने की वजह से जहां एक और लोगों को कोरोना संक्रमण से जूझना पड़ रहा है, वहीं उन्हें सरकारी अव्यवस्था से भी दो चार होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं।